नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर में महंगाई और बेरोजगारी के साथ कई जन समस्याओं को लेकर रालोद की हकीकत नगर कैंप कार्यालय पर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में रालोद लोक संकल्प समिति के सदस्य चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि पूरे देश और प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है, आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साधारण परिवारों के बेहद ही मुश्किल वक्त है। बैठक में रालोद ने कहा कि सरकार जीएसटी की दरें कम करे। जो बैठक बुलाई है हमने, जो ये कमर तोड़ महंगाई केंद्र सरकार द्वारा आम पब्लिक पर, गरीब लोगों पर थोपी हुई है, उसके खिलाफ आज इतना जन आक्रोश है पूरे देश के अंदर, प्रदेश में, कि जनता त्राही त्राही कर रखी है। आज इनकी पॉलिसी ने इतना परेशान जनता को किया हुआ कि आज किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान सब परेशान है, ना रोज़गार है। और आज आप देखिए सिलेंडर के रेट क्या हो गए हैं, 1080 का सिलेंडर मिल रहा है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों पर रेट देखिए आप कितने हो गए हैं। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं आदरणीय मोदी जी से कि आखिर आप चाहते क्या हैं इस देश की जनता के साथ? जनता रोटी कैसे खाएगी, रोज़गार रहा नहीं है। तो हमारा विरोध केवल इस बात के लिए है कि एक आम आदमी की, गरीब आदमी की सुनी जाए और उनको न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए आज हम यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और रणनीति बना रहे हैं कि इसके बाद अल्टीमेटम दिया जाएगा और उसके बाद ज़बरदस्त सड़कों पर प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और आवश्यकता पड़ी तो हम दिल्ली जाके जंतर मंतर पर भी धरना देंगे। सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम अभियान के तहत चोरी की योजना बनाते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 1 पिस्टल, 32 बोरदेशी और 3 जिंदा कारतूस बरामद की है। साथ ही पुलिस ने 1 मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। खबर फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां गांव बिहारीपुर नई आबादी के समीप 12 साल की बच्ची को छत पर खेलते समय 11,000 बिजली का करंट लग गया, जिसके बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस को मौके पर पहुंची, जिसकी मदद से घायल बालिका को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। खबर आगरा से है। आगरा के जिला अस्पताल में फतेहपुर सिकरी से सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने हरी झंडी दिखाकर मोबाइल हॉस्पिटल की शुरुआत की। वहीं सांसद चाहर ने बताया कि ये सेवा एक चलते फिरते हॉस्पिटल की तरह है। ये सांसद मोबाइल हॉस्पिटल फतेहपुर सिकरी लोकसभा क्षेत्र में जगह जगह जाएगा। हमारा मकसद है गरीब लोगों को अच्छी तरह से इलाज मुहैया कराना। इस मोबाइल हॉस्पिटल के जरिए मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ भी मिलेंगी। अगली खबर मैनपुरी से है। मैनपुरी में ट्रक ने सपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव की गाड़ी को टक्कर मार दी। वहीं ट्रक ने करीब 200 मीटर की दूरी तक सड़क पर गाड़ी को घसीटते हुए ले गई। इस घटना में बाल बाल बचे सपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव। बता दें कि सपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव गाड़ी में अकेले ही मौजूद थे, वो करहल रोड स्थित अपने आवास पर जा रहे थे। ये मामला मैनपुरी सदर कोतवाली के भदावर हाउस के सामने की बताई जा रही है। खबर कुशीनगर से है। कुशीनगर से जहां स्वर्गीय रामलक्ष्मण द्विवेदी की 12वीं पुण्यतिथि पर नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, वहीं नेत्र शिविर का शुभारंभ पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री बीज विकास निगम राजेश्वर सिंह ने किया, जिसमें 350 मरीजों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण किया गया। साथ ही संबंधित दवा भी मरीजों को वितरित किया गया, जहां डॉक्टर विनोद कुमार सिंह नेत्र प्रशिक्षण अधिकारी के साथ डॉक्टर डीके जायसवाल ने मरीजों का परीक्षण किया। इस मौके पर स्वर्गीय रामलक्ष्मण द्विवेदी के सुपुत्र राम प्रवेश द्विवेदी उर्फ गुड्डू बाबा ने सबका आभार प्रकट किया।
अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां NH 730 पर लकड़ी लदी पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल बाइक सवार दो व्यक्ति अयोध्या भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में लकड़ी से भरी पिकअप को ओवरटेक करने पर पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दी। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। हरदोई के हरपालपुर थाने में तैनात एक दरोगा की टोपी एक बंदर लेकर भाग गया। काफी देर तक वह उसके साथ खेलता रहा और इस दौरान टोपी को वापस लेने के लिए पुलिस कर्मियों ने तमाम प्रयास किए, लेकिन बंदर टोपी नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद बंदर टोपी पुलिस थाने में फेंक कर चला गया। जितना भी राशन रखो, दरवाजा खुला पाया सब उठा ले जाते हैं। जितने भी यहाँ आने जाने वाले हैं फरियादी, उनको भी बहुत दिक्कत हुई, कभी चप्पल ले जाते हैं। और उसके बाद में दरोगा की टोपी या मोबाइल जो भी मिल गया वो भी उठा के यहाँ से ले जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है पब्लिक बंदरों से। अगली खबर पीलीभीत से है, जहाँ भाई ने अपनी ही बहन को पीट पीट कर हत्या कर दी और बहन के शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। वही मृतका की मां ने अपने बेटे पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने मां की तहरीर पर बेटे के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कि बेटी छत पर चली गई सुबह से टहलने, तो किसी पकड़िया वाले ने कहा कि बेटी बहन तो बड़ी है, शादी क्यों नहीं करते हो? इतनी बात बीस गाड़ी नहीं संजय होते दोनों मारने लगे। अच्छा कूलर तोड़ दिया, लेटती है, कितनी मोटी हो गई, हरामजादी खाती है। फिर क्या किया मारने के बाद? क्या किया फिर इसने? बड़े वाले के हाथ, छोटे वाले के नहीं, बड़े वाले के हाथ में मैंने लड़की वहाँ देखी। आज दिनांक 8 अगस्त 22 सुबह ढाई बजे 2 के सूचना प्राप्त हुई कि लड़की की हत्या उस समय। सूचना के मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची, सबने जांच की और इसकी मां ने अपने बेटे अनिल के खिलाफ। खबर शामली से है, शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र के सिटी के अपर देवाब शुगर मिल पर किसानों ने राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना देना शुरू कर दिया। इस मौके पर जिले के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के किसान एकजुट हुए हैं, जहां भारी संख्या में किसानों के पहुंचने की संभावना भी है। धरने के दौरान भारी मात्रा में कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ PSC और CO मौके पर मौजूद है। बता दें कि जनपद के तीनों शुगर मिलों पर 638 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान बकाया है, जिसको लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा मामला तो गन्ना बका भुगतान को लेकर है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 मिल हैं और तीनों पर 638 करोड़ रुपया बकाया है किसान का। किसान बेहाल है अपने खर्चे से, घर परिवार के जो हैं उनके पालन पोषण के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बिजली के बिल के लिए, उन्हें कनेक्शन काटे जा रहे हैं, वो परेशान है। उसे लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा और किसान लोग यहाँ सब आएंगे, इसी को लेकर परेशानी है यहाँ। क्योंकि हमारे यहाँ मुख्य खेती जो है वो गन्ने की है, पूरे पश्चिम की मैं बात करूँ तो किसान तो बेहाल है। अच्छा, वादा करते हैं अभी 2 दिन का दिया था, 2 दिन में क्या रहा, किसी किसी को तो नंबर नहीं आता पर्ची का। अध्यक्ष जी, इस तरीके से RLD केवल धरना दे रही किसानों को लेकर या फिर कोई और भी पार्टी? नहीं, किसानों को लेकर जो हमारे गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी, ये भी कुछ लोग यहाँ आएंगे तो मैं तो ये कहेंगे कि राष्ट्रीय लोकदल का धरना है और हमारे सब किसान भाई आएंगे, सब सहयोगी आएंगे। अगली खबर बिजनौर से है, बिजनौर में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर जिला पंचायत सदस्यों के 22 लोग DM से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मुलाकात की। साथ ही 33 सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी साकेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ DM को लिखित शपथ पत्र भी सौंपा। वहीं अविश्वास प्रस्ताव के चलते जिला पंचायत की कुर्सी को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। जिला पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष पर आरोप लगाया है कि जिला अध्यक्ष की तरफ से सभी सदस्यों को अलग अलग तरीके से परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला पंचायत सदस्यों ने अध्यक्ष को हटाने के लिए DM को अविश्वास प्रस्ताव के लिए शपथ पत्र सौंपा है। हम लगभग 33 सदस्यों के एफिडेविट के साथ और लगभग 22 सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। हम जिला पंचायत अध्यक्ष श्री साकेंद्र प्रताप सिंह जी के खिलाफ
अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस डीएम साहब को देने आज आए, क्योंकि पिछले कई महीनों से जिला पंचायत में घोर अनियमितताएँ चल रही थी। जिला पंचायत सदस्यों के खिलाफ जबरन मुकदमे दर्ज कराए गए, और यहाँ तक कि पीछे जो मीटिंग भी हुई है वो जबरन मीटिंग कराने का काम जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया। सभी जितने भी सदस्य हैं सभी के साथ कुछ ना कुछ घटना ऐसी घटी है जो यहाँ बताई नहीं जा सकती है, और सभी सदस्यों ने रोष प्रकट किया है। अगली खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर के देवबंद में SDM दीपक कुमार, CEO रामकरण सिंह और नगर पालिका की EO धीरेन्द्र राय के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर घर तिरंगा अभियान के लिए नागरिकों को जागरूक किया गया। तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों से आग्रह किया गया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान में सभी नागरिक शामिल हों, जिसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर काफ़ी उत्साहित हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।